This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं रोशन जसवाल एक बार फिर से वाराणसी में कोविड के ताज़ा सूरत हाल को लेकर आपके बीच आ पहुंचा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार से जहां लॉकडाउन लगना है तो वाराणसी में ये नज़ारा शनिवार से ही दिखाई पड़ रहा है क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने पहले से ही यह आदेशित कर दिया था कि वाराणसी में सप्ताह के अंत शनिवार के दिन लॉकडाउन रहेगा और शुक्रवार की रात 8 बजे से यह लॉकडाउन शुरू हो चुका है जो अब रविवार को भी रहेगा, शनिवार को तो रहेगा ही, साथ ही अब यह सोमवार की सुबह 7 बजे तक कुल 56 घंटों का लॉकडाउन रहेगा। देख सकते हैं इस समय मैदागिन चौराहे पर हम हैं और यहाँ पर लॉकडाउन का कितना असर है। दुकानें तो बंद हैं लेकिन लोगों के आवाजाही पे बिल्कुल भी रोक टोक नहीं है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग आ जा रहे हैं। हालांकि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको इस कड़ाई से छूट मिली है और दूध, फल, ब्रेड, सब्जी की दुकानें सुबह 10 बजे तक खोलने की परमिशन थी और दवा की दुकानों को पूरे दिन तक खोलने का परमिशन है, लेकिन बावजूद इसके तमाम आवाजाही यहां पर देखी जा रही है, किसी तरह की रोक टोक नहीं है। कुछ पुलिस और ट्रैफिक के जवान ज़रूर हैं जो कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों का आना जाना उसी तरह जारी है जैसा आम दिनों में होता है। अब बात कर लेते हैं वाराणसी में लॉकडाउन की वजह से या यूँ कहें होने वाली और समस्याओं की वजह से, क्योंकि बनारस को धर्म की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता के चलते काशी विश्वनाथ मंदिर में जहाँ हजारों लोग रोज दर्शन किया करते रहे तो वहाँ आज देखने को मिला है कि कुछ गिने चुने लोग वही दर्शन कर पा रहे हैं जो आरटीपीसीआर टेस्ट के निगेटिव होने का प्रमाण अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जिसके चलते वह मंदिर काशी विश्वनाथ जहाँ हजारों लोग रोज़ दर्शन करके बाबा के दरबार में मत्था टेकते थे वहाँ पर अब सियापा सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही लॉकडाउन के चलते शनिवार को हुए लॉकडाउन और फिर ये आगे रविवार तक के लॉकडाउन की वजह से आज घाटों पर भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा देखने को मिला, क्योंकि जो घाट हमेशा गुलजार रहते थे, जहां पर हमेशा ही धर्म कर्म और गंगा स्नान हुआ करता था, वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा और सियापा देखने को मिला। 84 घाटों में से सिर्फ शमशान को छोड़ दिया जाए, हरिश्चंद और मणिकर्णिका, तो इनके अलावा बाकी जितने भी घाट हैं वहाँ पर सन्नाटा ही पसरा देखने को मिला। अब बात कर ले वाराणसी में बढ़ते कोरोना संक्रमण की, तो वाराणसी में दिन को आई शनिवार की मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 800 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं और कुल मिला के एक्टिव केस लगभग 14,000 के पास तक पहुंच चुका है। जहां तक स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि तमाम जो कोविड हॉस्पिटल है उसमें सुविधाएं और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराना, लेकिन बावजूद इसके तमाम ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, कहीं पे ऑक्सीजन की कमी है तो बेड की कमी लगातार बनी हुई है और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उसके लिए भी मरीज और उनके परिजनों को जूझना पड़ रहा है। एक चीज़ यह देखने को भी मिल रही है जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं कि वाराणसी में जिस तरह से यहाँ वाराणसी में जिस तरह से कोविड हॉस्पिटल को पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है कोविड अस्पताल पर, तो जो आम मरीज हैं, जो आम लोग हैं, आम बीमार लोग हैं, उनकी तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, तो लिहाजा उनके इलाज में भी काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। एक अच्छी खबर बनारस से ये आई है कि वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल के निरीक्षण के बाद अब उसे 800 से लेकर 1000 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने का तैयारी किया जा चुका है और जल्द अब जो मरीज हैं उनको भटकना नहीं पड़ेगा और वह दीनदयाल हस्तकला संकुल जो बड़ा लालपुर में स्थित है वह वहाँ पर आसानी से भर्ती हो सकेंगे। इसके अलावा गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस और वर्तमान में एमएलसी एके शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है वाराणसी के
और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय की, क्योंकि लगातार यहाँ मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। इस दौरान पीएमओ से बनारस के जो रिपोर्ट है उसको भी तलब किया गया है, क्योंकि लगातार बनारस में हालात बदतर होते चले जा रहे हैं। तो कुल मिला के वाराणसी से अभी तक के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।